नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको जामुन का पेड़ नामक कहानी पढ़ा जा रही हूँ। कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 है। तो ये लेखक जो है वह श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। ठीक है, पाठ 3 है। आप लोग जामुन का पेड़ खोलिए और इसके पहले जो है कहानी शुरुआत करने के पहले जो है मैं आपको लेखक परिचय पढ़ाऊंगी। तो आप लोग पृष्ठ संख्या जो है 23 खोलिए। तो यहाँ पर देखो, श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव जिला, ये जो है वह है गुजरां कला में हुआ था। तो यहाँ पे लेखक जो है श्री कृष्ण चंद्र का जन्म के साथ हुआ था वो लिखोगे। श्री कृष्ण चंद्र का जन्म लिख लो 1914, और ये किस गांव, पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जन्म पंजाब में, ध्यान रखना। और गांव का नाम लिखोगे वजीराबाद। गांव कौन सा है, वजीराबाद। जामुन का पेड़ श्री कृष्ण की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी जो है देखो, सरकारी जो दफ्तर होता है वहाँ पर विभागों में जो लापरवाही होती है उसी का उन्होंने दर्शाया है। लापरवाही, फिर क्या, लोग काम नहीं करते, आदत पड़ गया, आज का काम काल कल पर टाल देते हैं, घूस खाने का आदत पड़ गया है। तो इसी सब चीज़ को क्या है, इस जामुन का पेड़ जो कहानी है इसमें दर्शाया गया है। हर फाइल क्या है, इधर से उधर क्या है, हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ, एक दफ्तर से दूसरा, ये घूमता ही रहता है। तो ये क्या एक आदत हो गई है कि बात को क्या है अगले दिन में टालना, और इसी पर लेखक जो श्री कृष्ण चंद्र जी हैं उन्होंने व्यंग्य किया है। श्री कृष्ण चंद्र ने अधिकतर उर्दू में लेखन किया। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। तो शिक्षा दीक्षा मतलब पढ़ाई उन्होंने लाहौर में की थी। उनका देहांत सन 1977, यानी देहांत कब हुआ था, 1977। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि रचनाएं जो है वह लिखने के लिए आएगा। तो रचनाएं में है नजारे, जिंदगी का मोड़, दिल किसी का दोस्त नहीं, एक रुपया एक फूल इत्यादि। तो ये सब नाम जो है वो लिख लो, नजारे अंडरलाइन कर लेना, किताब में लिख लेना, नजारे, जिंदगी का मोड़, दिल किसी का दोस्त नहीं, दिल किसी का दोस्त नहीं, एक रुपया। एक
पेट के नीचे दबा हुआ है। अब लोग आपस में बातें करते हैं, सब देखने आते हैं, पर सभी को क्या, किसी को दुख होता है, अरे भाई ये पेड़ कितना मीठा फलदार पेड़ है, कितना मीठा फल देता था, आखिर ये पेड़ उखड़ गया। पर कोई उस आदमी के बारे में नहीं सोचता, वह उनको यह नहीं सोचता कि उस आदमी को कैसे, दबे हुए आदमी को बाहर निकाला जाए। अब जब पूछा जाता है तो लोग बोलते नहीं, हमारा ये हमारा विभाग का नहीं है, पेड़ हम नहीं काट सकते, ये तो परमिशन लेना पड़ेगा पेड़ काटने के लिए। तो इस प्रकार बात घूमती रहती है, घूमते घूमते 2 दिन हो जाता है, और इस 2 दिन में क्या है, आखिर वह दम ही तोड़ देता है। जब तक कि मतलब फैसला होता है, परमिशन मिलता है पेड़ काटने का, तब तक क्या हो जाता है, वह इंसान जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था वह भी मर जाता है। तो यही कहानी का मूल भाव है। तो रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ यानी क्या, झक्कड़ यानी तूफान, तूफान या तेज आंधी, ठीक है, तेज आंधी। तो रात को क्या होती, बहुत जोर की तूफान होती है। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। कहां पर जामुन का पेड़ गिर गया था, सेक्रेटरिएट के लॉन में। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली को क्या पता चलता है, जब सुबह सुबह माली आता देखता है जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिंटेंडेंट के पास गया। तो सभी लॉन में आ गए, सब दफ्तर में जितने स्टाफ थे सभी क्या करते हैं, लॉन में आ जाते हैं, किसको देखने के लिए, दबे हुए आदमी को देखने के लिए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब क्या हो जाता है, जैसे ही ये बात फैल जाती है तो मिनटों में क्या होता है, उस दबे हुए आदमी के चारों तरफ लोगों ने क्या है, भीड़ जमा कर लिया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तो वहाँ पे जो क्लर्क था, एक क्लर्क क्या कहता है, यह पेड़ कितना अच्छा था, कितना मीठा मीठा फल देता था, कितना फलदार था, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बात करते हुए कहता है, तो दूसरा क्लर्क बहुत याद करते कहता, हाँ कितना मीठा फल देता था, कितना रसीला फल था, मैं इसके फल झोली भर कर ले जाता था। और एक आदमी जो है क्लर्क को क्या कहता है, मैं तो इसका फल क्या करता था, बैग में भर भर कर ले जाता था घर पर। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे, बड़े खुश होकर क्या है, इस जामुन के पेड़ का फल खाते थे। तीसरा क्लर्क हुआसा होकर बोला। तो पहला जो क्लर्क था वो क्या बोलता है कि ये जामुन का पेड़ कितना फलदार था, दूसरा बोलता है इसका फल कितना रसीला था, और तीसरा बोलता है कि मैं तो झोली भर भर कर क्या है जामुन का फल घर ले जाता था, और मेरे बच्चे क्या है बहुत खुश होकर खाते थे। यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे देखो, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। मगर माली जो है वो क्या है, दबे हुए आदमी की ओर इशारा करता है, भाई आप फल की बातें कर रहे हैं, इस आदमी को तो बचाओ, बेचारा दबा हुआ है पेड़ के नीचे। माली को उस आदमी के ऊपर तरस आ रहा है, पर जो लोग सरकारी दफ्तर के नौकर हैं, चाकर हैं, मतलब काम करने वाले क्लरिकल जॉब में जो लोग अपॉइंटेड हैं, उन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि उस आदमी को कैसे निकाला जाए। तब हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट में सो में पड़ गया, सोच में पड़ गया। अब उस दफ्तर का जो सुपरिटेंडेंट था वह सोच में पड़ गया, हाँ को इस दबे हुए आदमी को तो निकालना पड़ेगा। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, सोचते पता नहीं ये आदमी जिंदा है ना मर गया, कुछ भी नहीं पता, मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वो कैसे बच सकता है, भला इतना भारी पेड़ गिरा है, भला यह आदमी कैसे बच सकता है। नहीं मैं जिंदा हूँ, तब दबा हुआ आदमी क्या बोलता, नहीं मैं अभी भी जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी करहा कर बोला। दबा हुआ आदमी करहा कर क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। क्या है, एक क्लर्क क्या बोलता है, वो चौंक जाते हैं, ये आदमी जिंदा है, वो मतलब पेड़ के नीचे दबा हुआ है आखिर फिर भी वो जिंदा है, ये सोचकर वह ताज्जुब हो जाता है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।